अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट आखिरकार शादी के बंधन में बंध ही गए। 12 जुलाई को वह यादगार दिन जब अनंत अंबानी और राधिका ने एक दूसरे को जन्मों जन्मांतर के लिए अपना लिया जियो वर्ल्ड सेंटर में अनंत और राधिका की शाही शादी हुई, जिसमें देश विदेश के वीआईपी मेहमानों ने हिस्सा लिया। एक बार फिर भारत और पाकिस्तान का रोमांचक मैच होने वाला है। बता दें कि वर्ल्ड चैंपियनशिप का लीजेंड 2024 में भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होगी। इस चैंपियनशिप में इंडिया और पाकिस्तान की टीमों ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। उन्होंने अन्य नेताओं से भी भरोसा नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। हालांकि बीजेपी राहुल के इस बयान पर भड़क गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति में जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन सीबीआई अभी भी उनके खिलाफ जांच कर रही है, इसलिए अरविंद केजरीवाल अभी जेल में बंद है। वहीं जेल में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गृह मंत्री अमित शाह ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। बता दें कि देश में 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी, उसी के मत के नजर केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। पंजाब में जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में अपनी बाजी मार ली। आपके उम्मीदवार मोहिंदर पाल भगत सिंह की शानदार जीत हुई है। वहीं इस उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, क्योंकि अपने दोनों को करारी हार दी है। मध्य प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। मॉनसून के एक्टिव होते ही कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बादल जमकर बरसे हैं। मौसम विभाग ने शनिवार को सिंगरौली, दामोह, शिंदी समेत 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोकप्रिय और चर्चित यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ महाराष्ट्र की साइबर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, क्योंकि एक पैरोडी अकाउंट ने कथित तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी के बारे में एक्स पर फर्जी संदेश पोस्ट किया था। इस बात की जानकारी शनिवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने दे दी है। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को हरा दिया है। कभी यह सीट कांग्रेस की गढ़ हुआ करती थी और हर चुनाव में कमलनाथ समर्थित प्रत्याशी जीत दर्ज करता था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी व कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को हरा दिया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को मुंबई में उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा कर मध्य प्रदेश में उद्योग की संभावनाओं की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि उद्योग, व्यापार, व्यवसाय की दृष्टि से मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे बैरसिया में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार सामने आने के बाद लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने कड़ी कार्रवाई की है। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के निर्देश पर राज्य सरकार ने सड़क निर्माण करने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही उपयंत्री को निलंबित कर दिया है। कटनी शहर से 10 किमी की दूरी पर बसा गुलवाड़ा ग्राम पूर्णता पथरीला इलाका माना जाता है। वन विभाग ने अब इसे फॉरेस्ट सिटी बनाने का प्लान बनाया है। हालांकि इसमें कई विभाग मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले 10 साल में कंपनी घने वनों के सौंदर्य से घिरा दिखाई दे। सरयू खतरे के निशान से 3 सेमी नीचे पहुंच गई है। जलस्तर तो घट रहा है, लेकिन अब परेशानियों की बाढ़ आ गई है। पीड़ितों के समक्ष खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। कई परिवार तो एक ही बार खाना खा रहे हैं, वहीं स्कूल बच्चे नाव से जोखिम उठाकर पढ़ाई करने जा रहे हैं। पशुओं के चारे का संकट खड़ा हो गया है। संक्रामक बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रसाद सिंह ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तारीफ की है। एबीपी न्यूज से बातचीत में रवि प्रताप सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का टेलीविजन पर जो नैरेटिव देखा था, वो व्यक्तिगत मुलाकात में बिल्कुल ही अलग दिखा। राहुल गांधी एक सुलझे हुए इंसान, मुझे हुए नेता और एक उच्च कोटि के देश नागरिक हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, और शुक्रवार को मुंबई पहुंचने के बाद भी उन्होंने ऐसा ही किया। मुंबई पहुंचकर ममता बनर्जी ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और एनसीपी से चीफ शरद पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा, खेला शुरू हो गया है और मोदी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी।